नमस्ते फ्रेंड्स, महाराष्ट्र प्रोफेशन टैक्स से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीटीआरसी के नए रेट्स के बारे में, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिए गए थे। अब 1 अप्रैल 2023 के बाद एम्प्लॉय की सैलरी से इन्हीं नए पीटीआरसी रेट से प्रोफेशन टैक्स काटना होगा, तो जिसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि पीटीआरसी के रेट्स जेंट्स के लिए अलग है और लेडीज के लिए अलग है, तो दोनों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेंट्स के पीटीआरसी रेट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जेंट्स के सैलरी में से प्रोपोर्शन टैक्स कब काटा जाएगा। तो यहाँ जेंट्स एम्प्लॉय की सैलरी अगर 7,500 रुपए से कम है तो कोई भी प्रोपोर्शन टैक्स नहीं काटा जाएगा, और जेंट्स एम्प्लॉय की सैलरी अगर 7,500 से लेके 10,000 रुपए के बीच में है तो 175 रुपए पर मंथ के हिसाब से प्रोपोर्शन टैक्स काटना होगा। और जेंट्स एम्प्लॉय की सैलरी अगर 10,000 रुपए से ज्यादा है तो ऐसे केस में आपको पता ही होगा कि 2,500 रुपए पर एनम के हिसाब से प्रोपोर्शन टैक्स काटना होता है, जिसे 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से काटा जाता है और फरवरी महीने में 300 रुपए के हिसाब से प्रोपोर्शन टैक्स काटना होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि महिलाओं का प्रोपोर्शन टैक्स कब काटा जाएगा। तो महिलाओं की मंथली सैलरी अगर 25,000 रुपए से कम है तो कोई भी प्रोपोर्शन टैक्स नहीं काटा जाएगा, और महिलाओं की सैलरी अगर 25,000 रुपए से ज्यादा है तो ऐसे केस में साल के 2,500 रुपए प्रोपोर्शन टैक्स काटना होता है, जिसे हर मंथ 200 रुपए के हिसाब से काटना होता है और फरवरी के महीनों में 300 रुपए के हिसाब से प्रोपोर्शन टैक्स काटना होता है। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद में जब एम्प्लॉय को सैलरी दी जाएगी तो उसमें से इसी नए रेट्स के हिसाब से प्रोपोर्शन टैक्स काटना होगा और अपना टैक्स लायबिलिटी का भुगतान करना होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।